सुबह कुछ ऐसी हुई है, हम लोग उठे हैं किस टाइम 7 बजे, मैं तो काफ़ी पहले उठ गया था, ये लोग उठे हैं 7 बजे और उठे ही हैं बस, एक तो अभी सो रही है, देख हाथ हिला रही है, उठ रही है, उठ गई देख। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? और गुरमीत गया है वॉशरूम और मैं बना रहा हूँ सुबह सुबह उठ के कॉफी। सबसे पहले मैं ही उठा था, उठ के मैंने फोन चार्जिंग पे लगाया बाइक पे अपना बाहर, और ये लोग उठाए अपना स्लीपिंग बैग, तो मैंने पैक भी कर दिया, देखो गाइस वो रखा पैक हुआ कोने में दिख रहा है, और ये लोग तो अभी सो रहे हैं। अभी हम कहाँ जाएंगे आज? आज हम कहाँ जाएंगे? कोई हॉन्टेड प्लेस है मसूरी में, वहां पे जाएंगे। अभी हम यहाँ से निकलने के बाद जाएंगे सीधा मसूरी, जो जैसे कि मानवी ने बताया हॉन्टेड प्लेस है एक, उस पर गुरमीत ने सजेस्ट किया था रात के ना, कल वहां चलेंगे, उसका पूरा व्लॉग अलग मिलेगा आज से, अब के बाद पूरा उसी का व्लॉग मिलेगा, अब से पहले का जो था वो मंदिर का फिनिश हो गया था। मिलते हैं कॉफी पीने के बाद। पहले अनपैक करते हैं फिर पैक करते हैं। ऐसे नहीं, हम बता रहे क्या क्या करते हैं उधर से, दो बिल्कुल मैच ना, तू बैग ना लूं, तू इसमें आ रही है, बैग को फाड़ देगी, ले दे। कुछ ये देखिए पैकिंग कर रहे हैं, मुंह पे क्या लपेट रहे हैं गाइस, गाइस देखिए इनकी भूरी चमड़ी का राज, माल लपेट रहे हैं माल, देखो ये क्या 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 लपेट रहे हैं, क्या है ये? सनस्क्रीन, सनस्क्रीन, ये हो गए काले। और जब से इनके साथ आया हूँ ना मैं, एक सिंगल वो नहीं लगाई है मैंने, कोई सनस्क्रीन या कुछ भी, और ब्रश भी तो नहीं करा 3 दिन से, तो ब्रश करना क्यों, दातून कर रहा हूँ मैं, दातून, नीम की दातून, पहाड़ों में नीम है, लेकर आया था अपनी दातून, दिखाइए तुम्हारे सामने, दिखा वो मैं कर ली व्लॉग, व्लॉग क्यों नहीं शूट किया अपने दातुन का, दातुन में कोई बताने की चीज है और नहीं तो क्या, सबकी अपनी अपनी वो तो पर्सनल चीज है, कोई कोलगेट करता है कोई दातुन करता है, हाँ तो तो बोल गुरमीत,
देना पड़ता है तब जाके चढ़ती है। चलो मसूरी तो ऊपर रह जाएगा। अब जितने देर तुम जाएंगे गाइस नीचे देर तुम जाते जाते थोड़ी बहुत वीडियो थोड़ी दिखाएंगे क्लिप, उसके बाद मिलते हैं सीधे देर तुम जाते और अभी रास्ते बीच में वापस जाएंगे हॉन्टेड प्लेस पर। देर तुम ये ना हो तो नहीं है पड़ेगा रास्ते पास में पड़ेगा हॉन्टेड प्लेस है वहाँ जाएंगे उसको करेंगे उसको भी दिखाएंगे एक रात अगर हुआ तो। गुरमीत बोलता कि वहाँ पे ना कैंपिंग कर लेते हैं हॉन्टेड प्लेस पे तो मैं बोलती मैंने कहा अपना खतरा देख उसे नहीं दिखता कुछ भी मैंने कहा वो तो कर लेगा वो तो हो जाएगा तुम यार बड़ी रात में जंगल में रहते हैं। हां मैंने कहा तू अपना देख हां रोटी मिलनी चाहिए बस मेरा तो कड़ी होना चाहिए बस सब देख लो हैं कि मुझे भी कुछ नहीं चाहिए मुझे भी कहीं भी ले जाओ बस तीन चार नींद की गोली दे दो। देखो ये बंदा बोल रहा है गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हम आ रहे थे। ट्रैक का यहाँ भी थोड़ा सा यहाँ भी थोड़ी सी ट्रैक है देखो 1 किलोमीटर तो होगा और जस्ट ऊपर देख इधर दिखा इधर सा इधर ला दिखा जहाँ पे झंडे से लग रहे इधर झंडे से दिख रहे हैं ना ये वाले यहाँ पे खड़ी है बाइक और यहीं पे रखे हैं बैग। और गाइस यहाँ के लोग बहुत ज्यादा चालाक है वेरी चालाक क्योंकि जब यहाँ का रास्ता ही तोड़ रखा था कि लोग बाइक ही ना ला सके भाई खुद गड्ढा कर रखा। मैं तो कह रहा था मैं so पहले बाइक एक बार लिख दे फिर तो पार हो जाएंगे तो अलग कर दे खड़ी जब गड्ढा कर रखा। चलो कोई नहीं ओ गाइस अब हम मिलते हैं गाइस तेरे बहुत लिख जगह पे पहुंच के ठीक है ओके सुनने बोल लूंगी ठीक है। ये ऐसा है ट्रैक यहाँ पे उबड़ खबड़ है बहुत होगा कभी रोड लेकिन वो कुछ अब दिख नहीं रहा पत्थर ही पत्थर है बाइक इजीली आ जाती है अगर वो गड्ढा सा पार कर लेते हैं हम तो। चलो कोई नहीं और कहीं वहाँ जाके है हॉन्टेड प्लेस उस साइड जाके अभी पहुँचते हैं दिखाते हैं धीरे धीरे। ये कौन है ये कौन है अपना पहलवान सामान लेने चल जब पैदल ट्रैक करें जब तो कंधे पे तो बहुत जल्दी सामान उतार रहे हैं ये और बाइक बैठती पर गैल पकड़ लें सामान बाइक चलाने का सबसे तकड़ा हल्का सा मैंने इससे कहा था मैंने कहा तू बाइक चला ले मैं सामान पकड़ के बैठ जाऊँ पीछे तो कह रही नहीं नहीं मैं तो पीछे बैठूंगी भाई इतनी हल्का सा मैं है बिल्कुल मतलब हर जगह आराम चाहिए हर जगह ना तो कहीं ट्रैक पर सामान लेके चल सकती अब तो दुकान पर रख दिया बताया था आपको और ना बाइक चलाती आई तो है जगह सी पहुँच गई ऑलमोस्ट अब ये हॉन्टेड प्लेस है कैसे यहाँ तो कुछ दिख ही ना रहा यहाँ आदमी मरे क्या तो यहाँ कहाँ सुरंग है तो घर है किनकी मजदूर पढ़ने आती थी लिटरेट मजदूर जो भी लाइब्रेरी या क्या है मुझे नहीं पता लाइब्रेरी थी और पढ़े लिखे मजदूर थे। अबे चलो बेकूफ बना रहे इन्हें ना पता कुछ भी अभी ये ओवरऑल प्ले भाई ये देखो यहाँ से नज़ारे तो हर जगह है यहाँ पे ये देख थक गई ना नहीं। तो क्यों बैठी अरे मुझे
मुझे अंदर जाने में डर लगा, कभी भूत लेके जाऊं। क्या देखने आए हैं मियां, पहले नू बताओ यहाँ देखने क्या है? ऊपर जाएगी कैसे? कहाँ है? अबे यहाँ है क्या? देखिए ये देख 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 के क्लिक रखा, ओ देखिए क्या क्लिक रखा यहाँ। आ छवि जाट बड़ा, और सुमित भी लिख रहा, और सुमित भी लिख रहा। नहीं यू बढ़े यू अरे यू ये सारा तो बच्चों गाइस, ये लोगों ने ना बच्चों की कार्ड रखी है यहाँ पे नाम वगैरह लिख के। देखो बहुत ज्यादा बच्चों की कार्ड रखी है, और ये कर रहे हैं बच्चों की कुछ इन्हें दिख गया। दिखा देना तेरा नाम लिख रहा। हाँ मेरा नाम लिख रहा है, बोल रहा मैं क्या मना कर रहा हूँ, देख सुमित लिख रहा। क्या लिख रहा? सुमित कहाँ लिख रहा? गाइस बताओ जी, मेरे नाम के इतने चर्चे चल रहे हैं, बकचोदी काट रहे लोग मेरे नाम से, कहाँ लिख रहा है? बोला दिल दिल भी बंदा, दिल भी है भाई। भाई जो भी कोई सुमित है प्लीज ऐसे काम ना करो, नाम की बेइज्जती मत कराओ यार। आई लव यू चूजा, चूजा ये कोई चूजा भी है गाइस, आई लव यू चूजा। ये हॉन्टेड प्लेस से ज्यादा तो मेरे को लगता है यार। बहुत आते हैं घूमने लोग, पता नहीं क्या क्या लिख के जाते हैं, और ये यार नाम तो खराब मत करो भाई, इस चीज ना लिखो। एक छोटा सा बच्चा भी है यहाँ पे, नीचे नजारा में चलो। ये कुछ बकचोदी काट रहे हैं, पिटोगे भी मेरे पे तुम ज्यादा बकचोदी करोगे तो सही है। चल आ चल उधर पर, उधर पर अभी ठीक है ना इसका। ओ भाई यार रसोई भी थी क्या? यहाँ पे भी है कुछ छोटा सा, इधर इधर क्या करेंगे, चलो इधर चलते हैं, वापस चल रहे हैं यहाँ ना, कुछ लगा नहीं मुझे खास, और निकलते हैं इधर से। ये देखो छोटा सा बच्चा कैसा भगा फिर रहा, आफत काट रहा। ओह इसकी वीडियो शूट हो रही है, गुड। तो क्या सोच के आए थे यहाँ, और तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था? कि कुछ भूत जैसा होगा, थोड़ा डरावना सा। मुझे तो लग रहा था आज मेरे मतलब भूत वो चिपट जाएंगे, इतनी मैं डरी हुई थी, पर यहाँ मैं आई क्योंकि मैं बकचोदी देख के खुश हो गया मेरा मन। गुरमीत वो एक जो वो होगा ना, एक सुमित के सामने कुछ लिख रहा था, वो मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा, मैं नहीं छिपा रहा, मैं लगाऊंगी उसकी स्टोरी। तू बोल, गुजर दिखाती हूँ, बोल क्या 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 बोल दूँ भाई, अरे क्या बोल दूँ भाई, क्या बोल दूँ, इसके बाद सब दुनिया हैंग हो गया। ए स्वाति इधर आ, अरे आओ प्रियंका, हाँ ये आ गया मोनिका सिद्धार्थ, और गुजर की छोरी, अरे गुजर ये रही, कहाँ है गुजर, ए गुजर करते गुजर, सागर गुजर नाम बताऊ, गुजर बच्चे हो रहे बड़े वाली ये सामने ना, वो वहाँ पे बाइक पार्क की थी और जो सामान रखा था वो ये वाले टेम्पो के पास रख देता भैया के, अब ऐसे बात कर ली थी कि कुछ चार्जेस वगैरह लेने, ये रखा था सामान अभी तो उठाएंगे और फिर चलते हैं अपने सफर की ओर। दोबारा बता क्या हुआ, पहले तो हमने तुम्हारी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जो कि हम तुम्हें दिखा चुके हैं, एकदम ही मैंने पूरे प्रोफेशनल के तरीके से, मैंने एक हाथ से गुरमीत को पकड़ा, एक हाथ से कैमरे को पकड़ा, ऐसी वीडियो बनाई लेट लेट के बाइक से, ठीक है। फिर बाद में मैं थक गई, गुरमीत ने कहा अब ऐसा कर तू नॉर्मली फोन पकड़ के बैठ जा हर मोड़ पे, जिससे इन्हें लगे हम इन्हें शूट कर रहे हैं, और इनकी अच्छी अच्छी वीडियोज बन रही है और ये खुश हो रहे हैं,
फिर मैंने कहा मजाक कर रही, झूठ बोल रही तू।